बिग फिश ट्रक पार्ट 3। बाशा को मूर्ख लोग हुसैन और बाहू की बातें सुनकर अपने व्यापार में नष्ट होने के बाद बाशा एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। इन मूर्खों की बातों में आकर बहुत नुकसान कर बैठा हूँ। आगे से मछलियों के व्यापार में किसी की बातों में नहीं आऊंगा। पहले मुझे अपने आप पर भरोसा करना जरूरी है। मुझे एक ट्रक और एक क्रेन खरीदनी चाहिए, तब मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। खुद ही बड़ी बड़ी मछलियों को ट्रक में डालकर मार्केट तक ले जा सकता हूँ। बाशा ये बातें सोचकर ट्रक के साथ साथ क्रेन भी खरीद लेता है। ट्रक के साथ साथ क्रेन को भी मुझे ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी ड्राइवर को रखता हूँ और वो भी मूर्ख निकला तो अभी एक और मूर्ख पर भरोसा नहीं कर सकता। दोनों को मैं खुद ही चला लूंगा, लेकिन समस्या तो होगी, दोनों को मैं एक साथ नहीं चला सकता। इसलिए पहले ट्रक को समुद्र किनारे रखकर फिर क्रेन को लेकर आता हूँ। बाशा ये सब कुछ सोच ट्रक को समुद्र के किनारे लाता है। इतने में भारी भारी मछलियां समुद्र के किनारे आती हुई दिखाई देती हैं। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। दो दो बड़ी मछलियां एक साथ किनारे आ रही हैं। जल्दी जाकर क्रेन लेकर आता हूँ और फिर क्रेन से इन मछलियों को ट्रक में डालकर मार्केट में बेचा तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ट्रक को लेकर क्रेन के पास जाता है और जल्दी जल्दी एक ट्रक को वहां खड़ा करके क्रेन को लेकर समुद्र किनारे आता है। वाह, दो भारी भारी मछलियां, बहुत सारा मुनाफा। आज तो मेरा भाग्य खुल गया। इन मछलियों को ट्रक में डालता हूँ। ये सोचकर वो क्रेन को उठाता है और ट्रक में रखना ही चाहता है कि वो ट्रक नहीं दिखाई देता। अरे, ट्रक को तो मैं वही भूल गया। लगता है उन मूर्खों के साथ रहकर मैं भी मूर्ख बन गया हूँ। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने देर कर दी तो मछलियां हाथ से निकल जाएंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलते हुए जाता हूं और ट्रक लेकर आता हूं। लेकिन ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसे ही वो सोचता रहता है। इतने में बाहू बाइक पर आता है। अरे, बाहू बाइक पर आ रहा है। अगर उस बाइक को मैं चलाऊंगा तो जल्दी जल्दी जा सकूंगा। बाहू, एक बार तुम्हारी बाइक दोगे? 10 मिनट में जाकर आता हूँ। अरे नहीं, मैं नहीं दे सकता। तुम इसे चला नहीं पाओगे, सिर्फ मैं ही चला सकता हूँ। प्लीज बाहू, एक बार के लिए दो ना। अभी तुरंत जाकर ट्रक लेकर आता हूँ, उसी ट्रक में बाइक भी डालकर ले आऊंगा, प्लीज। अरे, ये कोई साधारण बाइक नहीं है, ये फ्लाइंग बाइक है, हवा में उड़ सकती है। ठीक है ठीक है, मुझे उस ट्रक तक लेकर जाओगे? तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जल्दी बाइक पर बैठ जाओ, तुम्हें ट्रक तक लेकर जाता हूँ। फिर क्या, तुरंत ही बाशा बाइक पर बैठ जाता है। बाशा भाई, जमीन पर जाएंगे या हवा में उड़कर जाएंगे, कैसे जाना पसंद करोगे? जमीन पर जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, हवा में उड़कर जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे हम। ठीक है। ये कहते हुए बाहू बाइक को स्टार्ट करता है। वो बाइक एकदम से हवा में उड़ जाती है। बाशा भाई, पहले हम लोग समुद्र पर एक राउंड लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, सीधा हम लोग ट्रक के पास जाएंगे। हाँ हाँ, चलते हैं भाई, उससे पहले एक राउंड समुद्र का करते हैं, फिर मैं आपको ट्रक के पास लेकर जाऊंगा। ठीक है, जल्दी करो। दोनों उस बाइक पर बैठकर हवा में समुद्र पर उड़ते रहते हैं। इतने में बाइक इधर उधर हिलने लगती है। अरे अरे बाहू, ये बाइक ऐसे क्यों हिल रही है? मम्मी बचाओ, मुझे समुद्र में गिरा दोगे क्या? अरे 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 अरे, अरे बचाओ। अरे अरे बाशा भाई, माफ कीजिए, मैं तो भूल ही गया था कि बाइक में पेट्रोल खत्म है, इसलिए इधर उधर हिल रहा है। हमको समुद्र में गिरना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे तुम हवा में उड़ा कर ले आए? जमीन पर आते हैं तो कम से कम पेट्रोल तो भरा सकते थे। अरे अरे, हम क्या करेंगे? अरे हम क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं कर सकते भाई, समुद्र में गिरना ही पड़ेगा। वो अभी ये बात कर ही रहा होता है कि बाइक इधर उधर हिलते हुए समुद्र में जाकर गिरती है। दोनों तैर कर बाहर निकल आते हैं।
अरे अरे फिर एक बार तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया। किनारे पर जो मछली आई थी वो भी अंदर चली गई। कहते हुए एक साथ दोनों नीचे गिर जाते हैं। अरे वाह, हम ट्रक के पास ही गिरे। आज के दिन सिर्फ यही काम अच्छा हुआ है। हाँ भाई, कैसे भी करके आप ट्रक के पास पहुंच ही गए। जल्दी से तुम्हारी बाइक को ट्रक के अंदर डाल दो, फिर समुद्र के पास चलते हैं। वहां जाकर वो बड़ी मछली को ट्रक के अंदर डालकर, पर ट्रक स्टार्ट नहीं होता। अरे इस ट्रक को क्या हो गया, ये तो नया है फिर भी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। अरे कुछ भी नहीं हुआ भाई, इसमें डीजल खत्म हो गया है। ऐसे कैसे डीजल खत्म हो गया, जब मैं ट्रक लेकर आया था तो टंकी फुल करवाई थी। अरे बादशाह भाई, मैंने डीजल निकाल कर मेरी बाइक में डाला था, क्योंकि मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था ना। अरे बेवकूफ, तेरी बाइक तो पेट्रोल से चलती है ना, फिर उसमें डीजल क्यों डाला, डीजल से तुम्हारी बाइक नहीं चलेगी। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ भाई, मेरी बाइक सुपर फ्लाइंग बाइक है, ये डीजल से भी चलती है। अच्छा ठीक है, अभी इस मछली को मार्केट तक कैसे पहुँचाएंगे। आप चिंता ना करो, मैं अपनी बाइक पर इसे बांध कर हवा में उड़ा कर ले जाता हूँ और मार्केट पहुँचा दूंगा। वाह क्या आइडिया है, लगता है अभी तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है। चलो भाई एक राउंड समुद्र का लगाते हैं ना। अरे नहीं नहीं, अभी तुम सीधा मार्केट चलोगे, वरना अभी तक तुम्हारी बेवकूफी की खोज की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, आज के लिए बस कर दो। आप उदास मत हो भाई, अभी डीजल भी खत्म नहीं होगा, ढक्कन अच्छे से बंद किया है। सिर्फ एक राउंड भाई, फिर मार्केट चले जाएंगे, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर वो समुद्र पर बाइक से उड़ते हैं। इतने में अचानक रस्सी टूटकर मछली समुद्र में गिर जाती है। अरे मछली तो समुद्र में गिर गई। अब चिंता मत करो भाई, ऐसी मछलियां बहुत मिल जाएंगी। ये कहते हुए वो बाइक को समुद्र के किनारे उतारता है। अरे अभी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मैं अपने घर चला जाता हूँ। ये कहकर बादशाह अपने ट्रक और क्रेन को छोड़कर घर चला जाता है। जल्दबाजी और नालायकपन के कारण काम जल्दी नहीं कर सकते। वैसे ही मूर्ख लोगों से काम करवाना कितना मुश्किल है, इस कहानी के द्वारा आप सीख सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में शेष नारायण नाम का एक बहुत बड़ा फलों का व्यापारी था। शेष नारायण आसपास के राज्यों में अपने फलों का सप्लाई करता था। वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, हमेशा सबकी मदद करता। इन सब चीजों में उसकी पत्नी भी उसका पूरा पूरा साथ देती थी। एक दिन शेष नारायण खुशी खुशी घर पहुंचता। उसकी पत्नी ने देखा कि शेष नारायण बहुत खुश है, तो वह बोली, क्या हुआ जी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, कोई सोना चांदी मिल गया क्या? अरे सोना चांदी ही समझो, आज मुझे पड़ोसी के राज्य में 50 लाख का फलों का ऑर्डर मिला है। ये तो अच्छी बात है जी, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कैसे करोगे? 50 लाख के ऑर्डर के लिए पहले तो आपको पैसा फंसाना पड़ेगा ना। हाँ मैं भी वही सोच रहा था कि क्या करना है, ठीक है चलो देखते हैं। तो उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, मेरे सारे गहने और घर को गिरवी रख देते हैं, फिर अपना ऑर्डर पूरा करके बाकी सब कुछ छुड़ा लेंगे। हाँ हाँ मैं भी वही सोच रहा था। अगले दिन शेष नारायण अपनी पत्नी के गहने और घर गिरवी रख के पैसे ले आता है और सभी पैसों का फल खरीद कर गोडाउन में रख देता है। चलो सारे फल तो आ गए, कल सप्लाई करवाता हूँ। और गोडाउन बंद करके शेष नारायण अपने घर आ जाता है। रात होते ही एक आदमी घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, शेष नारायण भैया, शेष नारायण भैया, अरे बाहर निकलो। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। क्या हुआ भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? भैया आपके गोडाउन में आग लग गया है।
क्या? और सभी के सभी दौड़ते दौड़ते गोडाउन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गोडाउन धो धो करके जल रहा होता है। अरे ये क्या हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं रहा, हमने अपना एक एक पाई इसके ऊपर लगा दिया, अब हम क्या करेंगे। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगे। कुछ समय बाद, चलो जी अब क्या कर सकते हैं, जब ऊपर वाला यही चाहता था तो। फिर दोनों अपना उदास चेहरा लेकर घर पहुंचते हैं और कुछ ही दिन में शेष नारायण का सब कुछ बिक जाता है और बेचारे अपना बड़ा सा बंगला छोड़कर एक छोटे से कुटिया में आकर रहने लगते हैं। एक रात जब शेष नारायण सो रहा था तभी उसके सपने में एक साधु बाबा आता है। सुनो शेष नारायण, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो और तुम सबकी मदद करते हो, पूजा पाठ भी करते हो, इसी कारण भगवान जी तुमसे बहुत प्रसन्न है, उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं कल तुम्हारे घर 10 बजे सुबह आऊंगा, तुम मेरे सर में एक डंडा मारना, मैं तुरंत ही एक जादुई फलों की टोकरी में बदल जाऊंगा, उस टोकरी का फल तुम कितना भी इस्तेमाल करो वह कभी भी खत्म नहीं होगा। शेष नारायण सुबह उठता है और सोचता है, कल वो जो मैंने सपना देखा था वह सही है क्या। तभी गांव का नाई टेक सिंह शेष नारायण के घर पहुंचता है। साहब जी, मैं आपका बाल और दाढ़ी बनाने आया हूँ। आओ आओ बैठो बैठो। टेक सिंह बाल काटने लगता है तभी घर के बाहर एक साधु बाबा पहुंच जाते हैं। विक्षाम देही पुत्र। शेष नारायण सब कुछ छोड़कर बाबा के पास पहुंचता है। प्रणाम बाबा, आइए बैठिए। अरे ये तो वही बाबा है जिसे मैंने कल सपने में देखा था। फिर शेष नारायण अच्छे से सेवा करता है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं बेटा, हमने कल तुम्हारे सपने में आकर जो बोला था वही करो। फिर शेष नारायण घर से एक डंडा लेकर आता है और साधु बाबा के सर पर मारता है। साधु बाबा एक बहुत बड़ी जादुई फलों की टोकरी में बदल जाता है। टेक सिंह यह खड़े खड़े देखता रहता है, उसे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। शेष नारायण और उसकी पत्नी जादुई फलों को देखकर बहुत खुश होते हैं। चलो अब हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, तुम अभी भी यही हो, चलो ये लो इस फल की टोकरी में से कुछ फल ले जाओ। टेक सिंह यह फल लेकर अपने घर चला जाता है। जाते जाते वह सोचता है, यह तो बहुत ही चमत्कार हो गया, सेठ जी ने बाबा के सर में डंडा मारा, वह एक जादुई फलों की टोकरी में बदल गया। घर पहुंचने के बाद वह फिर सोचता है, जब सेठ जी ने एक साधु बाबा के सर में डंडा मारा तो एक फलों की टोकरी में बदल गया, सोचो अगर मैं ऐसे कई साधु बाबाओं के सर में डंडा मारा तो मुझे कितने सारे फलों की टोकरी मिलेंगे। ऐसा सोच टेक सिंह बहुत सारे साधु बाबाओं को निमंत्रण देने जाता है। कल आप सुबह मेरे घर में आइए, मैं आप सबकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, कल हम आपके घर आ जाएंगे। अगली सुबह सभी साधु बाबा टेक सिंह के घर पहुंचते हैं। आइए बाबा बैठिए। सभी बाबा घर में बैठते हैं। टेक सिंह घर से एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और सभी साधु बाबा के सर में एक एक करके जोर जोर से मारने लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो, अरे ये क्या कर रहे हो मूर्ख, अरे बाप रे मर गया रे, भागो। टेक सिंह किसी की सुनता ही नहीं और धड़ाधड़ सारे बाबाओं को मारना चालू रखता है। सारे बाबा घर के बाहर भागने लगते हैं लेकिन टेक सिंह रुकने के बजाय उनको दौड़ा दौड़ा कर मारता है। ये फलों की टोकरी क्यों नहीं बन रहे हैं? सभी साधु बाबा दौड़ते दौड़ते शेष नारायण के घर के पास पहुंचते हैं। शेष नारायण वहीं पर टहल रहा होता है। बचाओ बचाओ कोई तो बचाओ। तभी शेष नारायण टेक सिंह को रोकता है। अरे तुम क्या कर रहे हो, साधु बाबाओं को क्यों मार रहे हो? साहब जी, कल आपने एक साधु बाबा के सर में मारा ना तो वह फल की टोकरी में बदल गया, इसी कारण मैं भी साधु बाबाओं को मार रहा हूँ,
ताकि मुझे भी फलों की टोकरी मिल जाए। अरे वह साधु बाबा मुझे खुद ही बोले थे उनके सिर में मारने के लिए, मैंने ऐसा ही थोड़ी ना मारा था। तुमने जबरदस्ती बेचारे साधु बाबाओं को मार रहे हो। तुम पूरी बात को बिन सुने समझे इन सारे बाबाओं को मारे। मूर्ख, तूने हम सब योगियों को मारा है। हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम अगले 3 सालों तक गधे बनकर रहोगे और गांव के सबकी लात खाओगे। जाओ। और श्राप से टेक सिंह गधा बन जाता है और गांव में घूमने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अगर किसी चीज की हमें पूरी जानकारी ना हो तो हमें वह काम नहीं करना चाहिए, वरना टेक सिंह जैसी हमारी हालत हो जाएगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।